हरियाणा में रोड मराठा इतिहास को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म से संबंधित जानकारी देने के लिए करनाल के सेक्टर 12 जाट धर्मशाला में मराठा जागृति मंच हरियाणा की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लेखक व निर्माता दत्ता नरवड़े पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि हरियाणा के करनाल, पानीपत व कुरुक्षेत्र में रहने वाला रोड समाज छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज है, जिसका इतिहास में बहुत शोध हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में रोड मराठा समाज की विजय गाथा का वर्णन है। इस मौके पर अन्ना चौहान, सचिन पायलट, विवेक व रोहित नलावड़े मौजूद रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विरासत है स्वतंत्रता की, मानवता की, वो विरासत 250 साल अपने सीने में रखे, जो देश सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, या हरियाणा के अंदर हो, या यूपी के अंदर हो, या पंजाब के अंदर रहने वाले रोड मराठे, ऐसे रोड मराठे की शौर्य गाथा, वो जीते हैं, हारे नहीं। पानीपत का रण संग्राम ऐसा बोला जाता है कि मराठे हारे हैं, लेकिन मराठे हारे होते तो यहाँ रोड मराठे कैसे दिखते हैं? यहाँ मराठा परिवार क्यों हैं? वो जीते हैं। उन्होंने शिवाजी महाराज का नीति का पालन करके वो जंगल में, जैसे कुरुक्षेत्र हो, जैसा कुंजीपुरा हो, वह अभी भी है। वही मराठों की दास्तान हम इस स्टोरी पे पहली सी स्टोरी है जो रोड मराठों के ऊपर आने वाली, ये पूरा विश्व में ऐसी स्टोरी है, वो सबको शौर्य की सबक देगा, सिखाएगा, राष्ट्र प्रेरणा देगा। क्योंकि हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे जो राजा ने हमें जो शिकायत दी है वो राष्ट्र की दी है, सभी जातों धर्म का सम्मान करने की शिकायत दी है, या जाट हो, राजपूत हो, कोई भी हो, सबको साथ लेकर देश सेवा करने का एक आदर्श यहाँ के रोड मराठा परिवार ने विश्व के सामने रखा है, वही हम इस फिल्म में दिखा रहे हैं। मराठे हारे नहीं, जीते हैं। रिलीज कब होगी फिर ये रिलीज? 14 जनवरी, जो पानीपत का दिन होता है, रण संग्राम का दिन, विजय दिन मनाते हैं यहाँ हम सब हिंदुस्तान में, वही 14 दिन को रिलीज होगी। वही रिलीज के समय एक ही साथ वो जो ऐप के माध्यम से पूरा वर्ल्ड में होगी, लगभग 100 देशों में जहाँ भी मराठे हैं, इसका नियोजन हमारे रामपाल मुले साहब ने किया है। जैसा 20 पूरा हिंदुस्तान के सभी राज्यों में और वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मराठा है वहाँ ये फिल्म 14 जनवरी 2021 को रिलीज। सरकार भाई होगा यहाँ रोड मराठा, मराठा जागृति मंच की तरफ से आप आए, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता है, आज हमारे कुछ 8-10 साथी पूना मुंबई से इतिहास की जानकारी जब उन्होंने पता चली 1761 के रोड मराठा विजय गाथा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, इस विषय से आए और यहाँ उन्होंने फिल्म बना भी चुके हैं, लगभग उसका 90% कार्य पूरा हो चुका है। तो हम सभी साथी यहाँ पर आपसे पत्रकार वार्ता इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भी हम अपनी बात समझा कर सके, और आज इस अवसर पर यह समापन समारोह उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का, जो परसों से वो फिल्म बनी थी और उसका जो उद्घाटन है पानीपत के काला आम शहीदी स्मारक पे उसका उद्घाटन हुआ था, और मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को सम्मानित करके उन्हीं के हाथों से इस फिल्म का उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य ये है जी, जो हरियाणा के अंदर रोड मराठा समाज रह रहा है, ये 250 साल हो चुके हैं इसको, और जो हमारे अन्य स्टेटों में जितने मराठा भाई है, महाराष्ट्र में, एमपी में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में और अन्य स्टेटों में, उन सभी को पता लगे कि जो इतिहास में दर्ज जो मराठा समुदाय, जिन्होंने इस देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, लाखों की संख्या में मराठे हुए, अन्य किसी समाज ने इतना बड़ा बलिदान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ये इतिहास बताता है कि इस देश के लिए जो सबसे ज्यादा इस देश की लड़ाई के लिए मरे वो छत्रपति शिवाजी के वंशज वीर मराठा ने यहाँ पर अपने बलिदान दिया। उन सभी मराठों को इस बलिदान का पता लगे और उनको पता लगे उनके वीर मराठा भाई अभी भी जिंदा हैं, उनके बचे हुए वंशज, और वो पूरी अच्छी तरह से, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे खेलों में हो, वो पूरी उनकी अपनी प्रतिभा है, और हमें वो भी हमारे, क्योंकि इस बात का
पता लगना बहुत जरूरी है देश के मराठों के लिए, वह सभी मराठों के सम्मान की बात है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।